खुदा ना खास्ता अगर आप रिहा होंगे तो बाहर जाके क्या करेंगे? तो बाहर जाके उसके साथ राजीनामा करेगा, राजीनामा नहीं किया तो दो तीन है वो भी उड़ाएंगे। हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं तस्खीर और इस वीडियो के अंदर एक इंटरेस्टिंग वीडियो हम देखने वाले हैं। इसका कई आई थिंक एक दो महीने पहले, एक महीने पहले रिक्वेस्ट आया था किसी का मेरे पास, तो उस टाइम मैं नहीं कर पाया था, लेकिन ये आज वीडियो कर रहे हैं। पाकिस्तानी डॉन है शायद ये, और इनको शायद रघु भाई कहा जाता है। रघु भाई एक इंडियन मूवी है वास्तव संजय दत्त की, उसमें रघु भाई कर वो थे विलन, संजय दत्त विलन थे, तो कुछ वैसा धाकड़ सी पर्सनैलिटी बने हुए थे। तो ये क्या है, क्यों है, किस लिए है, और आप लोगों में से किसी ने मुझे क्यों सजेस्ट किया था, ये देखेंगे इसके अंदर। तो ये हैं रघु भाई पठान पाकिस्तान के, चलिए देखते हैं इनके क्या कारनामे हैं। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं एलएसटार वीडियो। नाम क्या है? अब्दुल वाहिद। कहाँ के हैं? पिशावर बाड़ा। किस जुर्म में आए हैं? 302 ने 302 मर्डर कत्ल किया है। हाँ कत्ल किया है। कितने कत्ल किए? चार कत्ल किए। बस वो मेरे को गाली दे रहा था, मैं गया पानी के लिए, वो बोला कि तुमने चोरी किया, ये किया, वो किया, मेरे को आधा घंटा गाली दिया। बस आखिर में मेरे को भी गुस्सा आया, मेरे को बंदूक दिखाता था अपना, बस मैंने बोला मेरे को मारो, वो नहीं मारा, मैंने मार दिया। तो बंदूक तो उनके पास थी, तो आपने कैसे मारा? मेरे पास भी अपना बंदूक था पर वो नहीं देखा था मेरा बंदूक। मेरे आप बंदूक क्यों पिराते थे अपने साथ? तो हमारा और भी दुश्मनी है इलाके में, 4-5 दुश्मनी है। और भी कत्ल किए इसके अलावा? नहीं और नहीं किया, बस यही किया। वो भी जुल्म कर रहा था, बोल रहा था मैं फिरौन हूँ, मैंने बोला मैं मूसा हूँ, चार वालों को मुसलमान किया। अभी जब आपने ये कत्ल किए हैं चार या। तो ये आपने मतलब चार इंसानों को मारा है ना, उनके बीवी बच्चे माँ बाप। मैं बहुत खफा हूँ पर अभी क्या करूँ, बस टाइम ऐसा आया कि वो मेरे को भी मारता था, अगर मैंने छोड़ा होता तो फिर मेरा खैर नहीं था। अभी आपने अपनी जान बचाने के लिए चार दूसरे इंसानों की जान ले ली। हाँ बस क्या करे, अभी बहुत खफा हूँ, बस टाइम। खफा तो आप हैं, तो आपकी खफगी से अब ये चार लोग वापस आ जाएंगे? नहीं आएगा दोबारा तो नहीं। उनके बीवी बच्चे होंगे? उसके बच्चे। यतीम कर दिया आपने? मेरा भी छोटे बच्चे थे, अगर मेरे को मारता तो आपने मार दिया, तो वो छोटे आपके जो बच्चे हैं वो अब किस हाल में हैं? बस मैं बहुत खफा हूँ, उसको मैं बड़ा भी करेगा। उनका बाप जिंदा है लेकिन वो है यतीम? हाँ यतीम है, बस एक बाप मरा है लेकिन एक और चाचा है वो जिंदा है। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आप तो जिंदा है ना? हाँ, मैं जिंदा। लेकिन आपके बच्चे यतीमी की जिंदगी गुजार रहे हैं क्योंकि आप जेल में हैं। हाँ सही बात है, मैं जेल में हूँ, बस वो खफा है बहुत मेरे पीछे, क्या करे बस। नशा करते थे? नहीं नशा नहीं। पूरे होश हवास में आपने चार बंदे कड़का दिए? होश हवास में आधा घंटा गाली सुना, बस वो नहीं मानता था, मेरे को बदमाशी दिखा रहा था, हमारे जमीन पर हमको गाली दे रहा था। अब आपकी जमीन किसके इस्तेमाल में है? वो उसके इस्तेमाल में। अरे तो आपने फायदा किया नुकसान? नुकसान किया मैं। नुकसान स्टाइल गरीबान आपका खुला हुआ है। रघु भाई हूँ ना, पूरा 50 तोला फिल्म होना। अच्छा। आप नशा नहीं करते थे? पढ़े हैं आप? मतलब कितना पढ़े? 10वीं तक। मैट्रिक किया आपने? तो काम क्या करते थे? ड्राइविंग कर रहा था, गाड़ी चला रहा। कितना कमाते थे रोजाना? बस 3-4 हज़ार कमाते। तो अब वो कौन कमा रहे हैं आपके घर के लिए? बस कोई भी नहीं कमाता, एक बाप है मेरा और छोटे भाई है मेरा, मैं बड़ा हूँ घर। तो वो जब आपने इतना जबरदस्त कारनामा किया है चार लोगों को मार के, तो अब वो खुश हैं, मुतमईन हैं? नहीं खुश नहीं है, बस अभी टाइम गुजरा है तो क्या हो सकता है। तो आपको सजा हुई है अदालत से? नहीं अभी सजा नहीं हुई। कितने अरसे से जेल में? मैं 2-3 महीने से जेल में हूँ, मैं खुद भी लगा हुआ इधर, दो गोली लगा, देखो मेरे को भी मारा था, भी मान भी नहीं रहा। बस वो तो अल्लाह ने मेरे को बचाया, अगर उसके हाथ में होता तो। यार यकीन जाने आपका जो स्टाइल है मैं देख रहा हूँ ना, मुझे डर लग रहा है आपसे। बस ये तो अल्लाह ने ऐसा स्टाइल दिया और मैं बहुत अच्छा बंदा हूँ। फिल्में वगैरह देखी हैं बहुत? हाँ बहुत देखा। रघु भाई मेरा वास्तव, तेरा मेरा शुक्रिया वास्तव। तो आपके जो साथी कैदी हैं वो भी इसी तरह कत्ल करके आए हैं? हाँ ना, कोई कत्ल करके आए, कोई मंशियात में आया है बस। तो वो जो कत्ल करके आए उनका कोई स्टाइल बदला है या उसी तरह का स्टाइल है जिस तरह आपका है? मेरा तो ये स्टाइल है, स्टाइल तो नहीं है, बस सादा सा आदमी हूँ। तो नहीं है, कैसा लग रहा है आप? सही नहीं, पूरे विलन लग रहे हैं, पूरे विलन। हीरो विलन नहीं, विलन मारता है ना लोगों को, हीरो तो नहीं मारता। तो मैंने भी अपने जान को बचा के उसको मारा। संजय दत्त हीरो है ना?
तो कोई राजीनामा कोई इस तरह का जरगा वरगा बहुत जरगे कर रहे हो इलाके का जो इसी चोए ताने का और नाजिम है वो भी गया है तो वो नहीं कर रहा है बस राजीनामा नहीं कर रहा है। रघु भाई ये बताइए कि आप जैसे जो कातिल हैं जो मानते भी हैं कि हमने कत्ल किया है उनको जेल से रिहा होना चाहिए? हाँ होना चाहिए, जो मानता है वो अगली बार नहीं करेगा। चोरी चुपके तो नहीं किया, पूरा गांव सामने खड़ा था, वो आधा घंटा मेरे को गाली मेरा बेइज्जती कर रहा था। नहीं तो गाली का ये मतलब वो है कि आप किसी को कत्ल कर दें? गाली वो गाली छोड़ रहा था बंदूक, वो बोल रहा था कि इसको पकड़ के गाड़ी के पीछे बांधो और कपड़े निकालो मेरा, तो कपड़े निकालता फिर मैं क्या करता, फिर तो इज्जत वापस नहीं आता। नहीं तो आपका स्टाइल तो जेल के अंदर भी नहीं बदला, इसकी क्या वजह है? बस ये तो अल्लाह ने ऐसा पैदा किया, मेरा स्टाइल तो बस सीधा साधा है। नहीं मतलब मेरा ये कि आप सुधरे नहीं हैं? नहीं सुधरा हूँ इंशाल्लाह। हाँ जेल देख के हर कोई सुधरता है। क्या बात है भाई, इसमें जो एक दूसरा कैद है जो चार गाट चाके वो देखे तो लोग फिर अच्छा बनता है। ये आपकी जेब में कलम है, इसका इस्तेमाल करते हैं? हाँ करता हूँ। इस तरह क्या लिखते हैं इसमें? इसमें ये लिखता हूँ AS। AS का क्या मतलब है? मेरा दोस्त है। अच्छा और कोई लिखत पढ़त नहीं करता? हाँ मैंने शायरी भी लिखा है। शायर भी है। पलजान दगम अमरीज जहान दगम जाहिद अस्ता सवाब जमा गुना तचर तरसी उतरख पलजान दगम अमरीज जहान दगम और जाहिद अस्ता सवाब जमा गुना तचर तरसी داخل لگ رہا پلزان دا غم امروز جہان دا غم امرا۔ تو یہ تو آپ کو گانا شانہ بھی آتا ہوگا؟ نہیں گانا نہیں آتا۔ مطلب اتنا آپ کر کے آئے ہیں چار قتل کر کے آئے ہیں، آپ شاعری بھی کر لیتے ہیں اور آپ کا سٹائل بھی نہیں بدلا، شاعر بھی ہے بھائی۔ رہا ہوں گے اگر خدا نہ خواستہ اگر آپ رہا ہوں گے خدا نہ خواستہ تو باہر جا کے کیا کریں گے؟ تو باہر جا کے اس کے ساتھ رضی نامہ کرے گا، رضی نامہ نہیں کیا تو دو تینیں وہ بھی اڑائیں گے۔ اس لیے میں نے کہا کہ خدا نہ خواستہ اگر آپ کو رہا ہوں گے چر کے بیش تو آج بھی ہے کسی چھو گیا ہے ایک علاقے کا جو ناظم ہے ہو گیا ہے، میرا آج ملاقات کا اس نے بتایا۔ بہت ہی خطرناک بندہ ہے، کیا مطلب اس کا مجاز ویسے کا ویسے یہ ایسا بندہ ہے۔ مجھے ہنسی آ رہی تھی یار بہت سی جگہ پر کہ راگو بھائی کہہ رہا ہے خود کو، اور واسطہ مووی کا میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا ویڈیو اسٹارٹ ہونے سے پہلے کہ یار یہ ایک واسطہ مووی میں جو تھے راگو بھائی وہ بنے ہیں، یہ بھائی صاحب ریئل لائف میں بنے ہیں۔ ریئل لائف میں بننے کے بعد انہوں نے کانڈ بھی ایسے کر دیے، چار لوگوں کو ٹپکانے کے بعد کہہ رہا ہے ابھی صحیح ہے جو بھی ہے، لیکن اینکر کی بات بھی مجھے لگ رہا تھا یہ صحیح سے سن رہا تھا اور جواب بھی صحیح دے رہا تھا کہ ہاں میں نے غلط مطلب غلط کیا، زندگی برباد ہو گئی، جیل میں آ کے میں سدھر گیا ہوں تھوڑا سا۔ لیکن بعد میں کیا جواب دیا کہ ان سے جا کر صلح کریں گے، نہیں کریں گے تو دو چار اور ہیں ان کو بھی کر کر واپس آئیں گے جیل میں، مطلب نکلے گا بندہ۔ اور اینکر کی بات بہت صحیح لگی، وہ کہہ رہے تھے خدا نہ خواستہ اگر آپ کو یہاں سے نکلنے کی موقع مل جائے نکلنے کا، بھائی میں ان کو بھی ماری ہوں گا، دو چار بچے ہیں ان کو بھی مار دوں گا۔ لیکن ہاں بہت ویسے ٹائپ کر رہا اس کے اندر، مجھے یار اس بندے کے اندر ڈر نظر نہیں آ رہا تھا، بڑا ہی بے خوف بندہ تھا یہ یار، غلط تو غلط ہے۔ ہاں جو بھی اضافہ نہیں، انٹرٹینمنٹ ٹائپ کا بندہ ہے، چین وین پہن کر پورا فلمی اسٹائل میں کہ میں سادہ سودھا ہوں لیکن رگھو بھائی سے انسپائر ہوں۔ سو کمنٹ سیکشن میں بتانا اپنی رائے، ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے بائے بائے، ٹیک کیئر، سائننگ آف۔